Merry Christmas to all. So yeah, it's me, stay with Anshika. यहाँ पे ना ठंड बहुत है. सो यार मैं धूप में आई हुई थी लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है. सो मैं ऐसे बैठी हूँ लेकिन मेरी आँखें नहीं खुल पा रही थी धूप में. सो आज क्रिसमस है बट मैं हर साल की तरह इस बार सेलिब्रेट नहीं कर रही हूँ. मतलब मैं हर साल सेलिब्रेट करती थी बट इस बार नहीं कर रही हूँ जस्ट बिकॉज मेरे फ्रेंड्स नहीं है यहाँ पे. आई मिस देम ऑल. जब मेरे फ्रेंड्स आएंगे तब मैं उनके साथ कहीं जाऊंगी घूमने बट अभी मैं यहाँ अकेले हूँ. मेरे सारे फ्रेंड्स अपने अपने यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज में हैं. वहाँ तो संडे खैर घर ही में होंगे, हॉस्टल में रूम में होंगे. और अगर उनके कॉलेज वाले क्रिसमस सेलिब्रेट करते होंगे तो वो वहाँ इंजॉय कर रहे होंगे बट मैं यहाँ बोर हो रही हूँ. तो मैंने सोचा व्लॉग तो कुछ अच्छा नहीं बनेगा बट ट्राई करती हूँ क्योंकि आज के दिन भी जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो सब बनाएंगे डालेंगे. तो मैंने सोचा मैं क्यों पीछे रह जाऊँ. इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं कुछ डाल तो नहीं रही हूँ बट आप लोगों से बातें करूँ, मैं अपनी कुछ मेमोरीज शेयर करूँ और मेरे लिए वही काफ़ी होगा. सो या मैं क्या बताऊँ, जब मैं उनके साथ थी मतलब मेरे सारे फ्रेंड्स के साथ तब मैं हर क्रिसमस में हम लोग चर्च जाया करते थे, फिर वहाँ से होटल जाते थे, खाते पीते थे, मस्ती करते थे और बहुत सारी मेमोरीज के साथ घर वापस आते थे. इस बार कुछ नहीं हो पाएगा. मैं उन सबको बहुत याद कर रही हूँ आज के दिन क्योंकि बाकी दिन भी याद करती हूँ लेकिन कॉलेज की भागा दौड़ी में, पढ़ाई में, यहाँ वहाँ सब एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो उसमें दिन निकल जाता था. बट यहाँ पे मैं मतलब कुछ होता है अगर किसी दिन कोई फेस्टिवल या कुछ ऐसा, जैसे आज क्रिसमस है फिर न्यू ईयर आएगा, मैं उस दिन भी बहुत मिस करूँ क्योंकि कोई नहीं होगा यहाँ. तो ऐसे दिनों में याद थोड़ी बढ़ जाती है तो मुझे बहुत याद आ रही है उन सबकी. बट या अभी ना मेरी बुआ आई हैं घर पे, मैं उनसे मैं इंट्रोड्यूस कराऊँगी, वो भी आने वाली हैं छत में तो मैं आपको उनसे भी मिलवाऊँगी. बट मैंने आज बहुत लेट ना आया है. अभी मैं अपनी फ्रेंड के घर जाऊंगी उसके साथ पढ़ने के लिए, इंजॉय करने के लिए नहीं. सो वहाँ से जब मैं पढ़ के आऊँगी उसके बाद फिर मेरा वही डेली रूटीन चलेगा, टीवी देखना, ये करना, वो करना और कुछ नहीं. सो मेरी बुआ आ गई, मैं आपको मिलवाती हूँ अपनी बुआ से. सो ये मेरी बुआ है जैसे कि मैं बोल रही थी. सो हाय करिए सबको, हाय करो बुआ. हाय, सो आज मेरी क्रिसमस मिल गई. हाँ, तो ये मेरी वही बुआ है जो मैंने बताया था ना, बहुत ही ज्यादा स्टैंडर्ड है ये. बट ठंडी चल रही है तो सभी को पता है कि ठंडी है तो फुल हम लोगों को पैक होना चाहिए. सो यही है, आज आई है बुआ, दादी से मिलने आई थी. मैं दादी की थोड़ी तबीयत तो सब ठीक है बट उनका एक्सीडेंट हो गया था, सांड ने मार दिया था ना, तो इस वजह से उनके पैर थोड़ी फ्रैक्चर है. तो मिलने आती रहती हैं बुआ उनसे बट आज ब्लॉग में भी आ गई हैं. सो मिलते हैं बाबा आपको बाद में, बाय बाय. सो जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरी बुआ ही हुई हैं, वो ऊपर है, मम्मी भी आ गई हैं अब और मैं अपनी फ्रेंड के घर जा रही हूँ. तो मैं जा रही हूँ रेडी होने और उसके बाद मैं अपनी फ्रेंड के घर जाऊँगी, फिर वहीं पे हम पढ़ाई लिखाई करेंगे. तो मैं अब वापस आती हूँ, फिर मिलती हूँ अगर कुछ प्लान हुआ, कुछ हुआ तो ठीक है, वरना फिर कुछ देखते हैं, कुछ सोचते हैं, कुछ करेंगे आज. हाँ, और आज के दिन मुझे मेरी दी और जीजू की भी बहुत याद आ रही है क्योंकि वो जब भी होते थे स्पेशली क्रिसमस के दिन या फिर न्यू ईयर के दिन, वो जब भी होते थे ना तो हम लोगों को लेके जाया करते थे. पहले जैसे आते थे वहाँ रील्स वीडियोस और ज़्यादा क्या क्या नहीं बनाया करते थे, क्या क्या मीन्स रील्स और वीडियोज़ में ही मतलब डांस की वीडियोज़ वगैरह बनाते थे. जीजू हमारे कैमरा मैन होते थे मेरे लिए, स्पेशली मेरे लिए मेरे जीजू कैमरा मैन होते थे. नहीं है सो या आई मिस देम बट क्या ही कर सकते हैं. अब जॉब जहाँ रहेंगे भी वहीं, मतलब क्या स्पेशली जहाँ जॉब है वहीं रहना ही पड़ेगा. और अभी तो मेरी दी प्रेग्नेंट भी, उनका छोटा सा बेबी भी आने वाला है. सो वो गर्ल हो चाहे बॉय हो, कोई भी हो, मेरे लिए सब इक्वल है. बस वो सही सलामत और अच्छा अच्छा सा मतलब कि हेल्दी बेबी हो जाए
कि ये ना हो कि कुछ ना कुछ जो कमी होती है बेबी, सब कुछ भी ना हो, बस अच्छे से हो जाए। और आप सब भी प्रे करिएगा कि दीदी का बेबी बहुत अच्छे से और बहुत ही नॉर्मल डिलीवरी के साथ हो जाए, और जब वो बेबी हो जाएगी ना उसके बाद हम मिलवाएंगे। और वैसे ना उसकी जो डेट है वो मेरे जीजू के बर्थडे के आसपास की है, सो अगर वो उस डेट पे होगी जिस दिन जीजू का बर्थडे होता है जैन में, वाह जीजू और बेबी का बर्थडे एक साथ होगा, वो कितनी वो बॉन्डिंग क्या होगी ना पापा बेटे की, कि दोनों बेबी एक साथ, मतलब बर्थडे पापा का और बेबी का एक साथ हो, वो बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है वो सब कुछ। सो मैं ऐसे बातें करूँगी तो बातें करती रह जाऊँगी, इसलिए मैं चलती हूँ। बाय। मैं मेरी फ्रेंड के यहाँ से आ चुकी हूँ, उसके बाद मैं डोसा लेके आई थी, तो मैं खा रही थी, मम्मी के साथ बातें कर रही थी, और यहाँ टीवी में मींस मम्मी की शादी की सीडी लगी हुई थी, तो वो भी इंजॉय कर रही थी। अपना दिल का दिखा रही हूँ, इस तरह का होता है, दिल मत दिखाओ, अच्छा वाला दिल दिखाओ, अच्छा वाला, मैं पता किस तरह का होता है दिल। लो पहले मुझे चॉकलेट दो, फिर मैं ही दे दूंगी। ठीक है ठीक है, पर आप तो दिखा दो कितनी है। नहीं नहीं मैं काउंट करके बताती हूँ। मैं चार है नहीं ये पांच है, दिखाओ। अच्छा ठीक है, पहले अपने यहाँ हाथ दूर करो। अच्छा लो, चार हो गए। अच्छा लो, ओ बन गया। पहले मेलो ड्रामा, इतना मेलो ड्रामा करके कहाँ जाओगी। आज क्या है, क्या है आज, क्या है डेट? हाँ डेट। अच्छा तुम्हें ये सब कहाँ से मिला है, किसने दिया है, सब बताओ बताओ। इधर देखो, सीधे बैठो। मुझको दिया है मेरे प्यारे पापा ने। पापा ने दिया, सेंटा ने दिया है? पापा ने। सेंटा कौन होता है? सेंटा पापा। पापा हमारे सेंटा होते हैं। हाँ। अच्छा अच्छा, ये सब दिया किसने? सेंटा ने। तो बस सेंटा ने मुझे भी दिया है, मैं भी खा रही हूँ। तो देखो अब सेंटा ने बेबी को दिया है, तो बेबी ने अपनी दीदी को दिया है, और दीदी ने अपनी प्यारी जी बेबी को दिया है। अरे बेबी और गिर गई, बेबी गिर गई, देखना ये एक मेरे मुंह में जाएगी, देखो देखो। मुझे दे दे एक अपने हाथों से, तू ला दो मुझको। कौन सी गानी है? ब्लू नहीं, पिंक। पिंक, पिंकी बेबी हो क्या? हाँ। ओ एक के चक्कर में सारी गिर गई। और चॉकलेट दिखाओ, और क्या क्या मिला सबको दिखाओ, लेके आओ। ये 500 की, ये 1000 का है, ये भी 500 की है, ये 1000 की है। और बाकी चीजें जो खा गई हूँ वो भी बताओ, क्या क्या खा गई हूँ? चुपा चुप खा गई हूँ मैं, और जैम्स खा गई हूँ मैं, और वो मेरी दीदी मेरी चॉकलेट खा गई, मतलब मैं चॉकलेट खा गई हूँ मैं, मेरा भैया। दीदी को कोई चॉकलेट नहीं दी थी ना, इसलिए 5 स्टार वाली दीदी के नाम। नहीं, दीदी ने मुझसे सुबह सुबह लड़ा। हमने? हाँ। कैसे? तुम, मैंने बोला दीदी देखो ये कौन सी थी, स्नैकर। हाँ स्नैकर दीदी दो होती है बड़ी बड़ी, तो एक एक खा लेंगे हम दोनों, जब भैया एक ले लेगा तुम एक ले लेना। तो दीदी बोल नहीं मुझे पूरी दो, मतलब मुझे नहीं चाहिए। मैंने बोला ठीक है दीदी, मतलब भैया मैं ही खा लेंगे, तो हम दोनों ने खा लिया। तो इसमें मैंने लड़ाई कहाँ की? इसको लड़ाई कैसे बेटा, इसको बातें कैसे हैं बेटा, हमको नहीं मालूम। इसको लड़ाई कहाँ से कहते हैं? इसको कहते हैं दीदी की गंदी लड़ाई। अच्छा सबको मैरी क्रिसमस तो बोलो। मैरी क्रिसमस दीदी, नॉट सब लोग। दीदी नॉट सब लोग, व्हाट डू यू मीन? बोलो मैरी क्रिसमस टू ऑल। पहले खा लो फिर बोल लेना, बोलो बोलो मैरी क्रिसमस, बोलो सबको मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस टू ऑल, टू ऑल। अच्छा यस।
अच्छा यस अच्छा यस अच्छा टीवी में क्या देख रहे हैं हम लोग? पापा के सीडी। पापा की सीडी? हाँ। ये क्या होता है पापा की सीडी क्या होता है? पापा की सीडी मतलब मम्मी या पापा की जो शादी होती है वो वाली। तो वो पापा की सीडी हुई कि मम्मी पापा की शादी वाली? पापा मम्मी ने तो तुम्हें अपनी शादी में बुलाया नहीं। नहीं मैं गई थी। अच्छा गई थी, देखी क्यों नहीं फिर मुझे अभी तक? अरे नहीं वो मैं नानी के पास थी ना, हम लोग खेल रहे थे मनियों में। मनी तो पैदा ही नहीं हुई थी, मामा की तो शादी ही नहीं हुई थी, मामा तो छोटे हैं मम्मी से। हाँ मुझे वो, हाँ मैं मामा के साथ खेल रही थी। अच्छा मम्मी के साथ क्यों नहीं बैठी तुम? मेरा मन नहीं था। इसमें मन की कोई बात ही नहीं होती। तुम तो की पूरी स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक में तुम कहीं आई ही नहीं हो। हाँ। मामा तो आए फिर भी। हाँ, वो मैं चला गया था ना। कहाँ? मैं चली गई थी, मेरी वहीं पे एक दोस्त बन गई थी, मैं उसके साथ खेल रही। नानी क्या तो हम लोगों की कोई दोस्त नहीं है? नहीं मेरी बन गई थी। कहाँ बन गई थी? एक लड़की। मम्मी के फ्रेंड्स तो मम्मी की उम्र की हैं, तो तुम्हारी कहाँ पैदा हो गई एक दोस्त? नहीं एक लड़की थी। एक लड़की थी? लड़की? अच्छा गर्ल। गर्ल? ओ अच्छा, लड़की को गर्ल कहते हैं। ए गर्ल। दिस इज ए गर्ल। यस। अच्छा यस। अच्छा यस। गुज्जा आजा कुछ। ठीक है सबसे बाय बाय कर लो फिर। स्लाइम इसी से खेलती रहा करो दिन भर। ठीक पढ़ना लिखना है ही नहीं। टाइट हो जाएगी, मेरे कल ही पेपर खत्म हुए हैं, पढ़ने की टेंशन क्यों उठाऊं। ठीक है सबसे बाय बाय तो कर लो। बाय बाय। हैव अ नाइस डे। हैव अ नाइस डे। बाय बाय। बाय। बस उसके बाद मेरे भाई को सामान लेने गया था, उसके बाद मेरी बहन उसके पीछे पीछे गई और जैसे ही उन्होंने देखा कि मैं कैमरा ऑन कर रही हूँ तो मस्ती मजाक वाली लड़ाई करने लगे लोग जान मुझ के दिखाने के लिए। बस उसके बाद हम यहीं अपना दिन ख़त्म करते हैं। और उसके बाद पापा रात में पेस्ट्री ले आए थे क्योंकि परी ने कहा था, उनसे इंसिस्ट किया था कि ले आएगा, तो लाए से कट किया खाया। फन अगेन। मैरी क्रिसमस टू।